हम बात कर रहे हैं RVNL की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले वीडियो में हम लगातार डिस्कस करते आ रहे थे कि स्टॉक जो है 180 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, इसका ये रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि हमने देखा जब गिरावट आई थी और इस गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक किया था तो स्टॉक जो है 175 और 180 के बिटवीन कंसोलिडेट हो रहा था। यहाँ हमको गिरावट बड़ी देखने के लिए नहीं मिल रही थी, बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा था और स्टॉक अपने अप ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा था, गिरावट नहीं आ रही थी। इसलिए हमने कहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं और लास्ट ट्रेडिंग डे में एक जंप के साथ, एक तेज़ी के साथ स्टॉक ने अपने 180 के तगड़े रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता हुआ हमको नज़र आया और इसकी क्लोजिंग भी जो है हमको 180 के ऊपर देखने के लिए मिली है। अब ऐसी सूरत में गिरावट आती है तो 180 का लेवल इसके तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है 180 का लेवल। इससे पहले जहाँ से स्टॉक हमको रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा था मल्टीपल्स टाइम, उसको ब्रेकआउट दे चुका है तो अब तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ गिरावट आती है तो 180 तक का हमको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। 180 के लेवल से अगेन हमको स्टॉक बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। 180 के लेवल से बाउंस बैक होगा तो ऐसी कंडीशन में अब हम टारगेट को डिस्कस करते हैं। पहला टारगेट है जो इसका है 185 का लेवल, यहाँ तक का जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इस बाउंस बैक के साथ और मार्केट की तेज़ी के साथ RVNL हमको इस हाई को भी ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है 185 के लेवल को। 185 के लेवल को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमको नेक्स्ट टारगेट 187 देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ से इससे पहले हमको दो बार रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। और 187 के लेवल को अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है वैसे कंडीशन में फिर हमको 190 से लेके 200 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही RVNL में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।